हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा, आपका दोस्त। आपके सामने इस बार लेकर आया हूं राग मारवा। काफ़ी कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि कुछ मारवा राग की कोई एक बंदिश आपको पेश करें, तो आज मैं लेकर आया हूं राग मारवा की एक बहुत प्रचलित और बहुत पुरानी बंदिश। लेकिन इससे पहले मारवा राग की कैरेक्टरिस्टिक्स हम जरा देख लेते हैं। मारवा राग मारवा थाट से ही उत्पन्न राग है, जो कि शाडो जाति का है, जिसमें पंचम वर्जित है। आरोह में और अवरोह में दोनों में पंचम वर्जित है, यानी कि एक स्वर नहीं है, वो है पंचम। पंचम इस राग में बिल्कुल पूर्णतया वर्जित है, जबकि रे इसमें कोमल लगता है और म तीव्रा लगता है। कोमल रे और म तीव्रा वाला ये राग है। फ्लूट में बजाने में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन बड़ा अच्छा राग है, मजा आएगा। इस राग के वादी संवादी है रे और ध, यानी कोमल रे और शुद्ध ध। ध और नी दोनों शुद्ध है इस राग में, सिर्फ रे कोमल है और म तीव्र है, ध भी शुद्ध है। ये पूर्वांग प्रधान राग है। मारवा, पुरिया और सोहिणी तीनों राग में एक ही प्रकार के स्वर लगते हैं। तीनों राग में पंचम वर्जित है, तीनों राग में रे कोमल है, तीनों राग में म तीव्र है। मारवा, पुरिया, सोहिणी, लेकिन जो डिफरेंस है वो मेन यही है कि मारवा पूर्वांग प्रधान है, यानी पूर्वांग में ज़्यादा गाया बजाया जाता है, और ये करुणता रस प्रधान राग है, बहुत करुण राग है, एकदम सैड। ये संधि प्रकाश सायंकालीन राग है, ये शाम के संधि प्रकाश के समय, सूर्यास्त के समय गाया बजाया जाता है। इसके आरोह है, आरोह अवरोह देख लेते हैं। स्वर लगते हैं, यानी मींड और गमक का बहुत कम यूज होता है, नहीं के बराबर खड़े स्वर लगते हैं। धमा धमा गरे गमा गरे सा, इसमें ये नहीं लगा धमा गरे रे सा, इस तरह से नहीं लगा। धमा धमा गरे गमा गरे तरह से खड़े स्वर लगते हैं। आरोह में नी थोड़ा वक्र है। सारे गमा धनी दशा, इस तरह से धनी दशा, और इसकी पकड़ है जो मेन फ्रेज राग के। धमा धमा गरे गमा गरे सा, तो ये हुआ राग मारवा। हम इसकी बंदिश, जो कि शब्दों के साथ भी है, काऊ की रीत को करे सखीरी, नीत पिहरवा जो जो करिए, सो सो सब अपने मन की, तो ये बंदिश हम लेते हैं। सबसे पहले एक बार मैं फ्लूट पे बजा लेता हूँ, आप सुनिए। इसके बाद मैं इसको शब्दों में गाकर ताल के साथ बजाऊंगा, सुनाऊंगा। इसके बाद हम इसकी एक एक लाइन नोटेशन के साथ गाकर बजाकर और समझते हुए आगे बढ़ा। तो पहले तीन ताल में 140 BPM की स्पीड में स्वर काली पांच ए शार्प लेके हम आगे बढ़ते हैं। Thank you.
तन मन धन तो मरे तुम तो मेहरबान सबके सदा रंग पर रंग बरसाओ काओ तेरी तको करे सखीरी काओ तेरी तको देखते हैं एक एक लाइन नोटेशन के साथ। इसकी जो पहली लाइन सारी लाइनें नौवीं मात्रा से शुरू होती है। तो पहली लाइन है काऊ की रीत को करे सखेरी हरवा जो जो करिए मारे गा मगरे सा सानी दशा सा मारे गा मगरे सा सानी दशा सा अपने मन की सा सा नी रे 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 गा गा म ग रे सा नी रे 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 गा गा म ग रे सा नी नी रे गा गा म ध नी ध नी म ध म ग काऊ की रीत को करे सखेरे नी नी रे गा गा मा ध नी ध नी मा ध म ग। अभी अंतरा देख लेते हैं। हो अधीन तन मन धन तुम्हारे मा ध सा 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 नी रे सा मा ध सा म के ऊपर ध का क्रॉस कर से मा ध सा 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 नी रे सा 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 नी रे सा तुम तो मेहरबान सबके नी नी रे नी रे नी रे नी ध म ध म ग नी नी रे नी रे नी रे नी ध म ध म ग सदा रंग पर मरे गा मनी द रे गा म ग रे सा मरे गा मनी द रे गा म ग रे सा सदा रंग पर रंग बरसाओ मरे गा मनी द रे गा म ग रे सा Thank you.
ये पूरी बंदिश है राग मारवा में, इसके साथ आप थोड़ा आलाप और थोड़ी ताने ले लेंगे तो बहुत अच्छी सी एक प्रस्तुति तैयार हो सकती है राग मारवा में। बहुत सैड टोन का राग है, बहुत करुण लग रहा है, लेकिन इसमें खड़े स्वर लगते हैं इसलिए ये थोड़ा चंचल भी है, लेकिन करुणता के कारण ये राग कभी कभी बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो संध्याकालीन जब सूर्य अस्त का समय हो उस वक्त आप आँख बंद करके बड़ी फ्लूट पे ये राग बजाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप देखिए। तो आप ज़रूर तैयार कीजिएगा इसको। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।